रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तबाही का दौर भी अब जारी है। रूस यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। एक बार फिर रूस की सेना ने हवाई हमले किए हैं जिसमें यूक्रेन के टैंक तबाह हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें MI-28 हेलीकॉप्टर से सेना यूक्रेन के ठिकानों पर हमले करते नजर आ रही है। परमाणु बम की रोज बात हो रही है लेकिन जेलेंस्की को फिक्र है कि टैंक कौन देगा। अब जर्मनी से आए एक बयान ने जेलेंस्की की तमाम तैयारियों पर पानी फेर दिया है। फिलहाल जेलेंस्की डिप्रेशन में है क्योंकि जेलेंस्की को ऐसा लग रहा है कि युद्ध जीतना बेहद मुश्किल हो गया है और उसके लिए पुतिन की पावर नहीं बल्कि नेटो की कमजोरी जिम्मेदार होगी। जेलेंस्की पहले इन धमाकों को देखकर बहुत खुश हुए लेकिन दो दिनों के दौरान ऐसे ऐसे फैसले हुए कि 24 घंटे के अंदर ही जेलेंस्की डिप्रेशन में आ गए। जेलेंस्की का ब्लड प्रेशर भी अचानक उन्हें परेशान करने लगा। 24 घंटे के अंदर हुए एक फैसले ने पूरे यूक्रेन और वोलोदिमीर जेलेंस्की को यह यकीन दिला दिया है कि वो अब पुतिन को नहीं रोक पाएंगे। 24 घंटे के अंदर जेलेंस्की की बहुत सी उम्मीदें टूट गई हैं और ये झटका उनको नेटो ने दिया है। जेलेंस्की की किस डिमांड पर जर्मनी ने पानी फेर दिया है वो देखने से पहले देखिए जेलेंस्की की हर वो मांग जो अमेरिका और नेटो ने पूरी की है। जेलेंस्की ने जब रॉकेट मांगा जेलेंस्की को हाइमर्स मिला। जेलेंस्की ने जब तोप की डिमांड की तो जेलेंस्की को M777 मिल गई। इन दोनों हथियारों की मदद से ही जेलेंस्की ने खेरसोन को वापस जीता है। यही वजह है कि पुतिन इन दोनों हथियारों से बहुत नफरत करते हैं। रेनो रेना जेलेंस्की ने टैंक को लेकर अपनी आवाज तेज की और नेटो समेत पूरे यूरोप से कहने लगे कि उनको अब टैंक की बहुत जरूरत है। क्योंकि यही एक ऐसा हथियार है जिससे वो जमीन पर पुतिन को रोक सकते हैं। Елементів це танки, сучасні західні танки, про постачання яких ми домовляємось з партнерами. Я дякую всім, хто вже ухвалив відповідні рішення. Я дякую пану президенту Європейської ради Шарлю Мішелю, який був сьогодні в Києві, який дуже чітко закликає Європу. То пехле то Джермані, Бритен ор Американі бохот бадібаді батенькі. बहुत उम्मीद दिलाई लेकिन फिर बर्लिन से एक ऐसी खबर आई कि जेलेंस्की का मूड ऑफ हो गया। एक बार फिर देखिए कि जर्मनी से टैंक को लेकर जेलेंस्की ने क्या उम्मीद जाहिर की थी और ये उम्मीद ऐसी थी जिस पर पुतिन की भी पैनी नजर थी। Ухвалити рішення про танки і відповідна коаліція партнерів насправді вже сформована. І зараз ми чекаємо рішення фактично з однієї європейської столиці, яке активізує підготовлені ланцюжки співпраці щодо танків. Вірю, що сила німецького лідерства залишиться незмінною.
ज़ेलेंस्की ने साफ साफ कहा कि वो जर्मनी से बहुत उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्योंकि सवाल अब डॉनबास को वापस लेने का नहीं बल्कि खारकीव और कीव जैसे शहरों को बचाने का है। लेकिन जर्मनी के रक्षा मंत्री से एक ऐसा बयान आया कि इसे जर्मन लेपर्ड टैंक को लेकर लगाए जा रहे तमाम कयास पर ब्रेक की तरह देखा जा रहा है। Aber in meinem beruflichen Leben eine Erfahrung gemacht, wenn man nicht weiß, wann eine Entscheidung kommt und wie sie aussieht, sollte man versuchen, vor der Lage zu sein. ज़ेलेंस्की को टैंक देने पर फैसला ना करना भी एक तरह का फैसला कहा जाएगा। इस फैसले का ज़ेलेंस्की को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन जर्मनी ने अपने बहुत ही खतरनाक टैंक लेपर्ड को लेकर यूक्रेन को पीठ दिखा दी है। जर्मनी को डर है कि यूक्रेन को अगर टैंक दिया गया तो इससे युद्ध और ज्यादा भड़केगा। रूस अब नाटो को सीधे टारगेट पर लेगा, क्योंकि पुतिन साफ साफ कहेंगे कि ये एक आक्रामक हथियार है, ना कि कोई डिफेंस वेपन सिस्टम। हालांकि ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो टैंक को यूक्रेन की सीमा के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि पुतिन अब डॉनबास के दो बड़े हिस्सों लोहांस और डोनेस को रूस में मिला चुके हैं, और पुतिन इस बात से खुश नहीं होंगे कि ज़ेलेंस्की नाटो से मिला टैंक लेकर डॉनबास की जमीन पर चढ़ाई करें। एक बात साफ हो चुकी है कि यूक्रेन में अब दुनिया का सबसे खतरनाक टैंक युद्ध होने जा रहा है, और जनवरी के साथ फरवरी की लड़ाई ऐसी होगी कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। इस वक्त यूक्रेन के रिजल्ट को तीन फ्रंट के नजर से देखना जरूरी है। पुतिन खेरसोन हार चुके हैं, लेकिन इसके बाद पुतिन सोलेदार जीत चुके हैं, और अब पुतिन को पूरा डॉनबास बचाने के साथ साथ पश्चिमी यूक्रेन पर भी चढ़ाई करनी है। यही पुतिन का फैसला है, यही पुतिन का इरादा है, और यही पुतिन ने ठान लिया है। इसके लिए पुतिन ने बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि अब जाहिर है कि टैंक अब यूक्रेन में बहुत ही खतरनाक युद्ध के लिए सबसे बड़ा हथियार बनने जा रहा है। टैंक ही वो मशीन है जो अब यूक्रेन के युद्ध का फैसला करेगी। इसीलिए पुतिन ने अपनी आर्मी कमांड को लेकर जो बदलाव किया है, उसका सेंटर प्वाइंट टैंक युद्ध ही है। इसीलिए पुतिन ने अपने टॉप टैंक कमांडर वालेरी गेरासिमो को चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बनाया है। वालेरी गेरासिमो आर्मड कोर ऑफिसर है और टैंक युद्ध के बहुत बड़े और खतरनाक खिलाड़ी माने जाते हैं। जनरल वालेरी गेरासिमो के आने के बाद अब रूस का फोकस टैंक वॉर पर है, और साथ में होगी अटैक हेलीकॉप्टर की वो जुगलबंदी जिसके सहारे टैंक रेजिमेंट यूक्रेन की जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ेगी। यूक्रेन में टैंक युद्ध बहुत खतरनाक दौर में पहुंच चुका है, क्योंकि दावे बहुत बड़े बड़े किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो रूस के 3000 से ज्यादा टैंक तबाह कर चुका है। इस दावे की पुष्टि स्वतंत्र स्रोत से नहीं की जा सकी है। वहीं युद्ध से पहले यूक्रेन के पास करीब 2000 टैंक थे, और अब नौबत ये आ चुकी है कि ज़ेलेंस्की को नाटो से टैंक की डिमांड करनी पड़ रही है। ये बात साबित करती है कि रूस ने यूक्रेन की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म कर दी है, और अब ज़ेलेंस्की पूरी तरह अपनी आर्टिलरी यानी तोप खाने पर निर्भर हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है, और उनकी नजर अब नाटो के दो टैंक पर है, जिसे लेकर ज़ेलेंस्की बार बार नाटो को कहते रहे हैं कि उनको ये टैंक दिए जाए ताकि वो पुतिन का मुकाबला कर सके। ये बहुत फुर्तीले हैं, बहुत घातक हैं। हमला ऐसा करते हैं कि टारगेट को हिलने का मौका न मिले। इसमें सबसे आगे नाम ब्रिटेन के चैलेंजर टैंक का रहा है, जो ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में इतना ऊपर है कि ब्रिटेन ने करीब करीब उस पर मुहर लगा ही थी। यही ज़ेलेंस्की की अब सबसे बड़ी उम्मीद है। टैंक को लेकर ज़ेलेंस्की की डिमांड ऐसी है, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, या फिर नाटो का कोई और देश, ज़ेलेंस्की की टैंक वाली ख्वाहिश तेज होती जा रही है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की अब 10-20 नहीं बल्कि पूरे 300 टैंक चाहते हैं। ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि रूस से लड़ने के लिए नाटो
उन्हें 300 टैंक की डिलीवरी जल्दी से जल्दी करें। जर्मनी से लेपर्ड टैंकों के मिलने में हो रही देरी के बाद ज़ेलेंस्की की उम्मीद ब्रिटेन और अमेरिका पर टिक गई है। जी हाँ, और आपको यह भी बता दें कि ज़ेलेंस्की को उम्मीद इस बात की है कि यूक्रेन को अमेरिका से अब्राम टैंक मिल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कई मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि ब्रिटेन से ज़ेलेंस्की के लिए एक अच्छी खबर आई है, जहां ब्रिटेन ने उसे सी किंग हेलीकॉप्टर दे दिया है, वही जल्द ही चैलेंजर टैंक भी उसे मिलने वाला है। अब ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में कौन कौन से टैंक रहे हैं वो जरूर देखिए, क्योंकि डॉनबास का मोर्चा सिर्फ और सिर्फ टैंक ही जिता सकता है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की ने सबसे पहले दो टैंकों पर अपनी नजरें गड़ाई। पहला ब्रिटेन का चैलेंजर टैंक जो जल्द यूक्रेन आ सकता है, और दूसरा जर्मनी का लेपर्ड टैंक जो अब ज़ेलेंस्की को मिलना मुश्किल है। ब्रिटेन के चैलेंजर की गन 120 मिलीमीटर की है और जर्मनी के लेपर्ड की गन भी इसी साइज की है। ब्रिटेन के चैलेंजर का वजन 65 टन है, वहीं लेपर्ड का वजन 70 टन है। चैलेंजर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, जबकि लेपर्ड की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इन दोनों टैंकों को लेकर यूक्रेन की फौज ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। आपको रूस के एक टैंक कमांडर से मिलवाते हैं, उनकी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। Леопард, челленджери вже. І я думаю, вони навіть без пострілу будуть втікати. Це велика мотивація для піхоти, коли танки рядом. Ну, у них теж бойовий дух піднімається, тому вони менше страху, ніж без танків. Ну, а з танками ще, якщо з леопардами чи челленджерами, це, я думаю, як почнемо штурмувати, це не зупинимося. लेकिन ज़ेलेंस्की के लिए लेपर्ड का रास्ता बंद हो चुका है, इसलिए उनकी उम्मीद अमेरिका के अब्राम टैंक से भी लगी हुई है। ये बात अमेरिका भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि बिना टैंक के ज़ेलेंस्की की दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि ज़ेलेंस्की की फौज को रूस के टैंकों से लगातार खतरा बना हुआ है और वो सिर्फ एंटी टैंक मिसाइलों से रूस को नहीं रोक पाए। Also provide an ability to move efficiently around a battlefield, but of course they have much more firepower. And so it's perfectly understandable why President Zelensky, facing what he's facing in the Donbas and expecting to face those same threats going forward in coming weeks, would want some tanks, additional tanks. ज़ेलेंस्की एक तरह से नेटो के रहमो करम पर ही आश्रित हैं। ज़ेलेंस्की का दावा है कि वो यूरोप को बचाने की लड़ाई यूक्रेन में लड़ रहे हैं, लेकिन लेपर्ड को लेकर जर्मनी से जो जवाब उन्हें मिला है उससे ज़ेलेंस्की की परेशानी बढ़ गई है। हालात ऐसे हो गए हैं कि ज़ेलेंस्की के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। फिलहाल नेटो के छोटे छोटे देश उनके लिए बड़े सप्लायर बने हुए हैं। सवाल है, क्या अमेरिका यूक्रेन को अपना टैंक अब्राम देगा? उसके आने की उम्मीद भी इतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि तब ये अमेरिका के डायरेक्ट दखल के तौर पर देखा जाएगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसकी टक्कर रूस से डायरेक्ट हो, क्योंकि अब्राम अमेरिकी टैंक शक्ति की पहचान है, ठीक वैसे जैसे T-90 रूस की पहचान माना जाता है। अब्राम टैंक को लेकर अमेरिका ने क्या कहा है वो भी बहुत गौर से देखिए। It's more of a sustainment issue. I mean, this is a tank that is
requires jet fuel, whereas the Leopard and the Challenger, it's a different engine. They require diesel. It's a little bit easier to maintain. They can maneuver across large portions of territory before they need to refuel. The maintenance and the high cost that it would take to maintain an Abrams is just it just doesn't make sense to provide that to the Ukrainians at this moment. Abraham tank na dene ke liye America ka bahut hi dilchasp bahana dekhiye. America bata raha hai ki Challenger aur Leopard diesel indhan istemal karte hain, jabki Abraham tank jet fuel se chalta hai. Aise mein Abraham ko istemal karna Zelensky ki fauj ke liye bahut mehanga padega. Ise saaf saaf America ke inkar ke taur par dekha ja sakta hai. लेकिन सवाल है कि ऐसी बात अमेरिका ने तब क्यों नहीं की जब उसने यूक्रेन को हाइमर्स रॉकेट सिस्टम दिया जिसके रॉकेट करोड़ों रुपए के आते हैं। इसीलिए देखा जाए तो ज़ेलेंस्की अब पूरी तरह नाटो के रहमो करम पर हैं। वो बार बार कहते हैं कि वो यूरोप को बचाने की लड़ाई यूक्रेन में लड़ रहे हैं, लेकिन लेपर्ड को लेकर जो जवाब उनको जर्मनी से मिला है वो उससे बहुत हताश हुए हैं। हालांकि अब भी उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है। नाटो के छोटे छोटे देश भी उनके लिए बड़े सप्लायर बने हुए हैं, वही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। Більший від цієї країни пакет збройної допомоги за гаубиці та боєприпаси. Дякую Швеції за новий військовий пакет, за енлави, арчери і БМП. Я дякую Данії за ухвалення рішення по Цезарям для наших воїнів. Це серйозно посилить нашу армію. Я дякую Литві за новий військовий пакет, за зенітні гармати, амуніцію і гвинтокрили. І готуємо. फिलहाल सबकी नजर ब्रिटेन के टैंक चैलेंजर पर भी होंगी और अमेरिका के अब्राम टैंक पर भी, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक पूरी तरह ना नहीं कहा है। ये दोनों बहुत भारी टैंक हैं और यूक्रेन की दलदली जमीन पर वो भी बुरी तरह फंस सकते हैं। रूस के हेलीकॉप्टर पावर के आगे वो भी जूझते हुए नजर आएंगे।